तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले बांग्लादेश के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बांग्लादेश में 6 स्टूडेंट्स मारे गए थे ड्यू टू अ स्पीडिंग बस, एंड ऐसे वहां पे बहुत सारे लोग एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स मारे जाते हैं ड्यू टू अनसेफ रोड मेजर्स इन बांग्लादेश। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि बांग्लादेश में सेफर रोड मेजर्स रहना चाहिए एंड उन स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलना चाहिए। अब इसके बाद इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट टीयर गैस एंड रबर बुलेट शूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजर हो चुके हैं एंड मर भी चुके हैं। एंड ये चीज बांग्लादेशी न्यूज मीडिया कवर नहीं कर रही है एंड वहां का इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया गया है। तो अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू फैलाना चाह रहे हैं ये अवेयरनेस। बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने इंस्टाग्राम में इसके बारे में बात किए, तो चलिए मैं उनका स्टोरीज एंड पोस्ट दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बीबी की वाइंस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये डाला, यूथ इज प्रोटेस्टिंग इन बांग्लादेश फॉर safer roads. I hope their media gets involved to provide justice to kids. No one should hurt them for voicing their opinions. #oneyouth. इसके बाद अमित भड़ाना ने भी अपने इंस्टाग्राम में इसके बारे में बात किया through his stories. बेसिकली किसी ने उनको मैसेज भेजा था पूरा एक्सप्लेन करते हुए मैटर को एंड क्या चल रहा है बांग्लादेश में। उसके बाद अमित भड़ाना ने पढ़कर ये लिखा, अथॉरिटीज तक बात कैसे पहुंचाए, बताएगा कोई? उसके बाद गरीब ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू बताया इसके बारे में। उन्होंने एक आर्टिकल के बारे में पोस्ट किया जिसका टाइटल था, बांग्लादेश शट्स डाउन मोबाइल इंटरनेट टू टैकल टीन प्रोटेस्ट। उसके बाद CarryMinati ने भी इसके बारे में बात किया अपने इंस्टाग्राम में। बेसिकली उनको भी बहुत लंबा सा मैसेज आया था एक्सप्लेन करते हुए कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में। उन्होंने लिखा, दिस इज सो सैड, प्लीज help me reach this to the concerned authorities. फिर next story में उन्होंने लिखा, please guys, somebody needs our help. उसके बाद angry Prash ने भी अपने Instagram में upload किया, are you complaining about our government? Today youth of Bangladesh is protesting for safer roads because their students are dying every day due to careless bus drivers and non-safe roads. No one is helping them, not government nor media. Why? If any student from Bangladesh is reading this, I can only say keep fighting. Only you guys can help each other. You are showing great example of unity to the वर्ल्ड। उसके बाद और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया इसके ऊपर, बट मैं अब सब दिखा नहीं सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बेसिकली मुझे यही मैसेज कन्वे करना था आप लोगों को, प्लीज इसके बारे में अवेयरनेस फैलाओ। मैंने अपने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया तो मैं इससे पैसा नहीं कमाऊंगा, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारा तरीका आपके पास अवेयरनेस फैलाने का इस चीज के बारे में, आप कुछ आर्टिकल्स भी पोस्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारा तरीका है। सो ये बस एक छोटा सा वीडियो था जहाँ पे मेरे को दूसरे यूट्यूबर्स का रिएक्शन दिखाना था एंड इस टॉपिक के बारे में और अवेयरनेस फैलाना था। लाइक एम नहीं रखूंगा, जो करना है कर देना आपके हिसाब से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बिल्कुल नॉर्मल होगा। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो।